हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। माई सेल्फ पूनम शर्मा, द टीचर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल टू आर ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर लेसन 7, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट नाउन। I have explained you prior also. Today again I am explaining you. Noun is a name of a person, place, animal or a thing. किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को noun यानी हम संज्ञा कहते हैं. Okay? Now read this sentences. Anil is feeding the dog. They have gone to Mysore. There is a lamp on the table. Students, now if you see Anil, Anil is the name of a person. Okay? They have gone to Mysore. Mysore is the name of a place. There is a lamp on the table. Table and lamp, both are things. Okay, the highlighted words means this: Anil, Mysore, lamp, table. Okay, the highlighted word in this sentences are naming words. Anil is the name of a person. Okay, dog is an animal, dog also. Mysore is the name of a place, and lamp and table are the name of the things. So these naming words, such words are called nouns. Okay, here look here again. A noun is the name of a person, animal, place or thing. Okay students, now we have to start with the exercise 1. Complete the words in the squares, they are all noun. Okay, ye jo humko box diya hai isme humko nouns likhne hain aur iska clue humko yahan pe page number 34 pe diya hai. Okay, first clue is a monkey has a long dash. Monkey has a long टेल. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टी ए आई एल, टेल. ओके, सेम वे सेकेंड इज आई सॉ हिम एट द बस डैश. तो आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप इज द नेम ऑफ अ प्लेस. नाउ थर्ड इज बर्ड्स बिल्ड दिस नेस्ट. एन ई एस टी, नेस्ट. अगेन इट इज़ अ प्लेस वेयर द बर्ड्स लीव. द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट. काइट यानी एक थिंग है. ओके, अ डैश ट्विंकल्स एट नाइट. डैश ट्विंकल्स, अ स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. ट्विंकल्स एट नाइट. ओके, सिनोनिम ऑफ करेक्ट. करेक्ट मतलब ट्रू. करेक्ट का मतलब बताना है आपको मीनिंग. वॉट इज द डैश डे? वॉट इज द डैश टूडे? वॉट इज द डेट टूडे? डी ए टी ई, डेट. तो ये सभी क्लूज हमको जो है ये पेज नंबर इसमें फिल करने हैं 33 में. टी ए आई एल, टेल. एस टी ओ पी, स्टॉप. एन ई एस टी, नेस्ट. के आई टी ई, काइट. एस टी ए आर, स्टार. टी आर यू ई, ट्रू. डी ए टी ई, डेट. स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार हर पीडीएफ में एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रामर का होमवर्क आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. इसके लिए आपको स्पेसिफिक नोटबुक नहीं बनानी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2. बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2, अगेन आई विल लाइक टू रिवाइज दिस. नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. लुक एट द मॉन्यूमेंट. It is the Red Fort. I have been to Mumbai. It is a big city. That is Sarika. She is a pretty girl. The words that are written in color in the sentences above are all nouns or naming word. देखो, Red Fort है, वो है place. Mumbai भी है, place, city का नाम है. Sarika ये भी एक particular person का नाम है. Okay? ये सब नेमिंग वर्ड्स है. नोट दैट द वर्ड्स इन द ब्लू लाइक मॉन्यूमेंट. ये जो मॉन्यूमेंट लिखा है, ऐसी ऐतिहासिक स्थल, स्मारकों के नाम. सिटी, ओके,
गर्ल, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स है जो जनरल, मॉन्यूमेंट को हम मॉन्यूमेंट ही बोलते हैं, सभी गर्ल्स को हम गर्ल ही बोलते हैं, सिटी को हम सिटी बोलते हैं, इसीलिए दे आर कॉमन नाउन्स. ऑन द अदर हैंड द वर्ड्स इन रेड रेड फोर्ट मुंबई एंड सारिका आर स्पेसिफिक नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट सिटी एंड अ गर्ल रिस्पेक्टिवली, हैंस दे आर प्रॉपर नाउन. ओके, जो भी चीज़ जनरल में हम जिसको एक ही नाम से बुलाते हैं उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, और वो स्पेसिफिक नेम्स, चाहे वो सिटी का नाम हो, कोई भी लड़की का नाम हो, वो जिसको प्रॉपर एक नेम दिया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन थर्ड स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड ऑल्सो. नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज टू. कम्प्लीट द टेबल बिलो विथ कॉमन और प्रॉपर नाउन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम्स दिए गए हैं, दो बॉक्सेस दिए गए हैं, एक बॉक्स में कॉमन नाउन दिया है और उसका प्रॉपर नाउन हमको लिखना है. अगर हम फर्स्ट वाला देखें, फेस्टिवल, तो फेस्टिवल तो प्रॉपर नाउन में फेस्टिवल के नाम लिखने हैं, जैसे ईद और होली. अभी कॉमन नाउन में दिया है मंथ, तो हमको प्रॉपर मंथ के नाम लिखने हैं, अगस्त, जून, अप्रैल, कोई भी मंथ का आप नाम लिख सकते हो प्रॉपर. अब यहाँ पे द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये दो बुक्स के नाम दिए हैं, तो ये हमको कॉमन में हम इनको क्या बोलते हैं, होली बुक्स. ओके, अब कॉमन नाउन में हमको लिखवाया गया है कंट्री, तो हमको कोई भी प्रॉपर कंट्री के नाम लिखने हैं, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, अमेरिका, कोई भी आप लिख सकते हो. ओके, नाउ कॉमन नाउन अगेन. यहाँ पे आपको प्रॉपर नाम दिया है चेन्नई और हैदराबाद, तो आपको वो लिखना है, वो क्या है कॉमन नाउन में, उसको प्लेस में, बट प्लेस में भी उसको सिटी बोलते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज रिवर, कॉमन रिवर्स, कोई भी आप रिवर को, सब रिवर ही बोलते हैं, उसका प्रॉपर नाउन आपको लिखना है. तो मैंने गंगा और यमुना दो प्रॉपर नाउन रिवर्स के नाम बताए हैं. अब ये चार मीनार और ईफिल टावर, ये क्या है, एक मॉन्यूमेंट्स है, तो हम कॉमन में उसको क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स. ओके, कॉमन नाउन में रिलीजन, तो हमको प्रॉपर नाउन में रिलीजन के नाम लिखने हैं, तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, दीज आर ऑल रिलीजन्स. ओके, नाउ माउंटेंस के नाम दिए हैं प्रॉपर, हिमालय और आल्प्स, तो दीज कम्स इन माउंटेंस. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज थ्री. फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज पिक आउट द कॉमन एंड द प्रॉपर नाउन एंड देन राइट देयर इन द कॉलम. स्टूडेंट्स, ये मैं आपको PDF भेज रही हूँ, आपको ये कॉपी डाउन करना है. ओके, कॉमन और प्रॉपर नाउन, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली. दिस इज़ ऑल फॉर द डे. माई सेल्फ पूनम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल. मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विद द न्यू वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम.